साथियों, एक प्रभावी शैक्षिक संवाद में संवाद एक तरफा ना हो जाए, इसलिए 30:70 के नियम का पालन किया जाता है, जिसमें बातचीत के लिए तय समय का 30% सहजकर्ता के लिए हो और 70% समय प्रतिभागियों द्वारा बातचीत की जाए। सभी प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रतिभागी को अपनी बात रखने का समान अवसर मिलता है। विषय एवं समय अवधि पूर्व निर्धारित होती है तथा संवाद के दौरान इसका पालन किया जाता है। चर्चा के दौरान विद्यालय के परिपेक्ष तथा शिक्षकों एवं बच्चों की आवश्यकताओं से जुड़े कम से कम 3 से 4 उदाहरणों को साझा किया जाता है और संवाद के अंत में सहजकर्ता द्वारा प्रतिभागियों से संवाद की प्रक्रिया एवं उपयोगिता पर फीडबैक लिया जाता है। एक प्रभावी शैक्षिक संवाद में सहजकर्ता और प्रतिभागी दोनों की ही भूमिका अहम होती है। संवाद के दौरान सहजकर्ता की भूमिका के कुछ महत्वपूर्ण पहलू निम्नानुसार हैं। ध्यान रखना कि अकादमिक अनुभवों का आदान प्रदान समूह में बराबर रूप से हो रहा हो। निष्पक्ष होकर सभी प्रतिभागियों को सत्र में अपने विचार रखने के लिए प्रोत्साहित करना। सभी की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए सत्र के उद्देश्य तक पहुंचना। समय का ध्यान रखना और एक अर्थपूर्ण चर्चा सुनिश्चित करने के लिए एक सहज वातावरण बनाना। ये सुनिश्चित करना कि संवाद के अंत में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को समेकित कर साझा किया जाए। आइए प्रतिभागी की भूमिका पर भी नजर डालें। सभी प्रतिभागी बारी बारी से नियमित समय में अपने विचारों को रखें। अपने विचार चर्चा के विषय से संबंधित रखने का प्रयास करें। सभी अन्य साथियों के विचारों का सम्मान करें। अंत में किन्हीं 1-2 प्रतिभागी द्वारा चर्चा के सभी विचारों को समेकित कर साझा किया जाए। चर्चा के दौरान महत्वपूर्ण बिंदुओं, अनुभवों एवं नवाचारों को अपनी डायरी में लिखें, जिससे आगे चलकर इन्हें हम अपने विद्यालय में क्रियान्वित कर सकें।